हेलो एवरीवन वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लोकेटेड पेंच टाइगर रिजर्व इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बन चुका है और इसके साथ ही ये एशिया का पांचवा डार्क स्काई पार्क बन चुका है फॉर प्रोटेक्टिंग द नाइट स्काई एंड प्रिवेंटिंग लाइट पॉल्यूशन तो जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यहाँ का ये इस एरिया के आसपास पास पेंच टाइगर रिजर्व के आसपास किसी भी तरह का लाइट पॉल्यूशन होने नहीं देते हैं जो भी लाइट्स होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं तो यहाँ क्या होता है स्काई का एक नेचुरल व्यू देखने को मिलता है दैट्स वाई ये एशिया का पांचवा ऐसा जगह है जिसे डार्क स्काई पार्क से डिजिग्नेट किया गया है और इस तरह का डिजिग्नेशन या सर्टिफिकेशन देने वाले हैं इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन इट इज़ अ ग्लोबल डार्क स्काई मूवमेंट टू प्रमोट एस्ट्रोनॉमी और इस तरह का सर्टिफिकेशन देने से पहले ये उस जगह का कुछ पॉलिसी जैसे लाइटिंग पॉलिसी डार्क स्काई फ्रेंडली रेट्रोफिट्स या वहाँ का आउटरीच और वहाँ के नाइट स्काई को मॉनिटर करते हैं सब कुछ चेक करने के बाद ही ये किसी जगह को डार्क स्काई पार्क का डिजिग्नेशन देते हैं तो इस तरह से पेंच टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क का एक डिजिग्नेशन मिल चुका है तो यहाँ आपको मैं बता दूँ कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो डार्क स्काई को देखना चाहते हैं या फिर सेलेस्टियल स्पेक्टिकल्स को विटनेस करना चाहते हैं शील्डेड फ्रॉम द इंट्रूजन ऑफ आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन जहाँ किसी भी तरह का आर्टिफिशियल लाइट नहीं जा रहा हो आसमान को किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना कर रहा हो नेचुरल स्काई को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट दुनिया में यहाँ वहाँ जाते रहते हैं जैसे ही पेंच टाइगर रिजर्व को इस तरह का डेजिग्नेशन मिलता है तो हो सकता है इन द नियर फ्यूचर वहाँ रात में कुछ ऑब्जर्वेशन के पर्पज़ से या एस्ट्रोनॉमी के पर्पज़ से या स्टार गेजिंग के पर्पज़ से बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ आना शुरू कर देंगे सो दैट्स अ बेनिफिट फॉर पेंच टाइगर रिजर्व एंड सम की फैक्ट्स अबाउट पेंच टाइगर रिजर्व लोकेशन कहाँ है इसका तो लोकेटेड इन द सदर्न रिचेज ऑफ द सतपुड़ा हिल्स इन द सियोनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्स इन मध्य प्रदेश एंड कंटिन्यूज टू नागपुर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एज ए सेपरेट सेंचुरी तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका जो स्प्रेड है वो मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक है मध्य प्रदेश के सियोनी डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट तक है नेम्ड आफ्टर द पेंच रिवर विच फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ थ्रू द रिजर्व एंड कंप्राइजेज द इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क पेंच मोगली सेंचुरी एंड अ बफर ये मोगली वही है जो आप पढ़ते हैं जंगलों बुक में या फिर जो बचपन में आपने सीरियल देखा होगा जंगल बुक तो वहां जो मोगली है कहा जाता है किपलिंग कभी आए थे पेंच टाइगर रिजर्व और यहीं से इंस्पिरेशन लेकर उसने जंगल बुक लिखा था सो दैट वॉज द टॉपिक अबाउट डार्क स्काई पार्क एंड पेंच टाइगर रिजर्व हेयर इज द लोकेशन पेंच टाइगर रिजर्व सो दैट वॉज द टॉपिक आई होप यू लाइक डिट ऑन दिस नोट आई कंक्लूड द टॉपिक होप यू लाइक द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग